बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू टुडे? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 13 फन एंड मैग्नेट्स। टॉपिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। लेट अस प्ले एन इंटरेस्टिंग game with magnets. Make two magnetic dogs and label them A and B. Place the two dogs close to each other as shown in figure. What do you observe? You will observe that they move toward each other. So, उन्होंने दो मैग्नेट लिए, दो मैग्नेट लिए और दोनों की शेप जो है डॉग लाइक बना दी है। और जब उन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा तो वो एक यानी साउथ को नॉर्थ के सामने रखा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। और जब उन्होंने उसकी उसके डायरेक्शन चेंज कर दी यानी साउथ को साउथ के साथ रखा तो साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको बताया अट्रैक्शन कहते हैं जो अट्रैक्ट कर जाए यानी जो साथ साथ जुड़ जाए, एंड रिपल्शन कहते हैं जो एक दूसरे को दूर करें। ये आपको क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है व्हाट हैपन इफ द डॉग मूव फॉरवर्ड इच अदर टू स्निप। साइंटिफिकली वी से डैट द टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट इच अदर। व्हाट हैपन इफ यू टर्न राउंड वन ऑफ द मैग्नेट। वी सी डैट द मैग्नेटिक डॉग टर्न अवे फ्रॉम इच अदर। दिस मीन्स सिमिलर पोल्स रिपेल इच अदर। Thus, magnets can attract or repel each other. The property of the magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing the poles of another magnet near it. जैसे मैंने आपको बताया वैसे क्लियरली उन्होंने आपको बताया हुआ है। Thus, we observe that the south pole repels south pole but attract north pole. Similarly, a north pole repels north pole but attracts south pole. In other words, unlike poles attract and like poles repel each other. They can do this without touching. This is because a magnet has a magnetic round it. सो उन्होंने यहाँ पे आपको पिक भी दिखाई है कि जो अगर आप साउथ को साउथ के साथ करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये फर्स्ट डायग्राम में आपको उन्होंने दिखाया हुआ है। सेकंड डायग्राम में उन्होंने दिखाया कि जब आप नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रखेंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। थर्ड डायग्राम में जब आप नॉर्थ को साउथ के साथ करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा। सो द फोर्थ डायग्राम इज जब आप साउथ को नॉर्थ के साथ मैच करोगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे। जब आप सेम लाइक बॉडी एक दूसरे के सामने रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, और अगर आप डिफरेंट लाइक बॉडी करेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो व्यूवर्स, आपने जो है आगे इनके क्वेश्चन आंसर है, राइट डाउन द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन शॉर्ट फॉर्म। आपको आपने अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के इन शॉर्ट फॉर्म में बताना है जैसे कि पीछे आपको दिखाया गया है। आपने इसको शॉर्ट फॉर्म बयान करना है। आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। बहुत इजी टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।